हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं नर्डी सैम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल कलर के बेस पर कैसे आप वैल्यूज को सम कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो डोंट स्किप एनी स्टेप व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में सेल कलर की बेस पर वैल्यूज को सम करने के लिए हम VBA का यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक छोटा सा कोड टाइप करना होगा, जिससे हम एक यूजर डिफाइंड फार्मूला क्रिएट करेंगे और उस फार्मूले के थ्रू हम सेल कलर की बेस पर वैल्यूज को सम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको शीट प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह प्रिपेयर करने के लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे नंबर टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है, देन आपको यहाँ पे कलर और सम टाइप करना है, देन आपको यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लेना है, देन आपको इस सेल में आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको रेड कलर फिल करना है, देन आपको सेकंड पे येलो कलर को फिल करना है, देन आपको थर्ड पे ब्लू कलर को फिल करना है, देन आपको लास्ट में ग्रीन कलर को फिल करना है। अब दोस्तों आपको रेड वाले सेल पे आना है एंड देन आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है, जिसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। देन आपको अपने फर्स्ट कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करना है, जिससे इसका कलर रेड हो जाएगा। देन आपको इसका फॉन्ट कलर वाइट कर लेना है, देन आपको येलो के लिए येलो पे क्लिक करना है, देन आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है। देन आपको ब्लू के लिए ब्लू पे क्लिक करना है, देन आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, देन आपको अपने थर्ड वाले कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करना है, देन आपको इसका फॉन्ट कलर वाइट करना है, देन आपको इसे ग्रीन करने के लिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, देन आपको इसे इस तरह से सिलेक्ट करना है जिससे ये ग्रीन हो जाएगा, देन आपको यहाँ पे इसका फॉन्ट कलर वाइट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कलरिंग कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से इसे रीअरेंज कर लेना है अपने नंबर्स को, और रीअरेंज करने के बाद दोस्तों आपको अपनी शीट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हमें यहाँ पे VBA ओपन करना है, जिसके लिए आपको शीट वन पे जाना है और यहाँ पे दोस्तों आपको राइट क्लिक करना है, जिससे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है व्यू कोड का, आपको इस पे एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके यहाँ पे VBA ओपन हो जाएगा। देन आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको मॉड्यूल पे क्लिक करना है, जिससे आपके यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम VBA कोड टाइप करेंगे, तो यहाँ पे हमें टाइप करना है फंक्शन देन आपको यहाँ पे स्पेस देना है, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है सम बाय कलर, देन आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सम रेंज, देन आपको स्पेस देना है, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है एज रेंज, देन आपको कॉमा लगाना है, देन आपको यहाँ पे एक स्पेस देना है, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है सम कलर, देन आपको स्पेस देना है और टाइप करना है एज रेंज, देन आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिम स्पेस सम कलर वैल्यू स्पेस एज स्पेस इंटीजर, देन आपको इंटरप्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे फिर से टाइप करना है डिम स्पेस टोटल सम स्पेस एज स्पेस लॉन्ग, देन आपको इंटरप्रेस करना है, देन आपको यहाँ पे टाइप करना है सम कलर वैल्यू, देन आपको स्पेस देना है, इक्वल टाइप करना है, देन आपको फिर से एक स्पेस देना है और यहाँ पे टाइप करना है सम कलर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स, देन आपको इंटरप्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है सेट स्पेस आर स्मॉल में रहेगा, देन आपको सेल टाइप करना है स्पेस देना है और इक्वल टाइप करना है स्पेस देना है, देन आपको सम रेंज टाइप करना है इंटरप्रेस करना है, देन आपको टाइप करना है फॉर स्पेस ईच स्पेस आर सेल, देन आपको स्पेस देना है इन स्पेस सम रेंज, देन आपको इंटरप्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है इफ स्पेस आर सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स, देन आपको स्पेस देना है और टाइप करना है इक्वल, देन आपको फिर से स्पेस देना है, टाइप करना है सम कलर वैल्यू, देन आपको स्पेस देना है और टाइप करना है देन आपको इंटरप्रेस करना है
और टाइप करना है टोटल सम स्पेस इक्वल स्पेस टोटल सम स्पेस प्लस स्पेस आर सेल डॉट वैल्यू, देन आपको इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है इंट स्पेस इफ, इंटर प्रेस करना है, देन आपको टाइप करना है नेक्स्ट स्पेस आर सेल इंटर सम बाय कलर, देन आपको एक स्पेस देना है और टाइप करना है इक्वल, देन आपको फिर से एक स्पेस देना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है टोटल सम। तो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो आपको लास्ट में इंट फंक्शन टाइप करना है, देन आपको VBA को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए आपको Alt Q प्रेस करना है जिससे ये क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इस सेल में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल, देन आपको यहाँ पे सम बाय कलर का फार्मूला टाइप करना है जो हमने VBA के थ्रू क्रिएट किया है। देन आपको ब्रैकेट ओपन करना है और अपने डेटा को इस तरह से सिलेक्ट करना है। देन आपको इसे F4 प्रेस करके लॉक कर लेना है। देन आपको कॉमा लगाना है और यहाँ पे रेड कलर वाले सेल को क्लिक करना है। देन आपको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है जिससे आपके रेड कलर वाले जो भी सेल हैं उन सभी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। और आपको अब बाकियों के लिए इसे इस तरह से नीचे ड्रैग कर देना है तो यहाँ पे आपके बाकी कलर के जो सेल हैं उनकी भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस तरह से आप VBA का यूज़ करके सम बाय कलर फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं और सेल कलर के बेस पर वैल्यूज़ को सम कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जिस भी एक्सेल शीट में VBA का यूज़ करते हैं उस फाइल को आपको नॉर्मल फॉर्मेट में सेव नहीं करना है, आपको इसे हमेशा एज अ मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक फॉर्मेट में सेव करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोज लेके आता रहता हूँ।